वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आज मैं एक नया अपडेट की आपको लेटेस्ट न्यूज देने वाला हूँ। जैसा कि बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर एक नया अपडेट आया है, जैसा आपने थंबनेल देखा, टाइटल को देखा और देखकर समझ गए होंगे, तो आज मैं दोनों चीजों के बारे में बता रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा अपडेट है मोबाइल टेक्नीशियन भाइयों के लिए जिसको काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, फोनफिक हैदराबाद का जो कोर्स है 27 फरवरी से आपको नेक्स्ट बैच हमारा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 दिन की ट्रेनिंग, मदरबोर्ड फ्री, रहने का फ्री, ट्रस्टेड फ्लैश फाइल फ्री, स्पेशल फाइल फ्री, ईएमएमसी चेंज फाइल फ्री और बैकअप सपोर्ट मिलता है। ईएमएमसी यूएफएस और सॉफ्टवेयर का पूरा फ्री ट्रेनिंग होती है। डबल डेकर का फ्री क्लास होता है, लाइव स्टूडेंट से काम कराते, 10 घंटा क्लास होता है हालांकि यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.phonefixhyd.com, यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि आज की अपडेट में क्या है। जैसे कि यहाँ पे बोर्नियो का आप देख सकते हैं, 21 फरवरी के दिन, 2 फरवरी के दिन यहाँ पे एक थर्मिस्टर डाटा बेस करके एक नया टैब एड हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं थर्मिस्टर का, तो इसमें काफी सारे मॉडल्स को इन्होंने ऐड किए हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, तो ये देख सकते हैं, ये सारा आपको थर्मिस्टर का टैब है। इसके अंदर MI, ओप्पो, वीवो और काफी सारे मॉडल्स इन्होंने ऐड किए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स है क्या इसमें, तो इसमें आपको थर्मिस्टर ढूंढने के लिए जो प्रॉब्लम होती थी, दोस्तों हम तो स्टूडेंट को बहुत इजी तरीके से बता देते हैं, आंख से देख के आप थर्मिस्टर को पहचान सकते हैं, उसकी चेकिंग होती है, मल्टीमीटर से चेकिंग कर सकते हैं, और भी 3-4 अलग अलग तरीके हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी इन्होंने बताए हैं सारे के सारे 100 kΩ के रेजिस्टर्स इन्होंने बताए हैं, जो कि NTC होता है, नेगेटिव थर्मिस्टर कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं, या बहुत सारे लोग इसे थर्मिस्टर भी कहते हैं, या TH भी आपको देखने मिलेगा डायग्राम में, NTC भी आपको देखने मिलेगा, कहीं पे RTC लिखा होगा मिलेगा। ये वीडियो आप देखने के बाद बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे, इसके बारे में बताएंगे भी ऐसे ही, जो भी चीजें मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ ये सब हम क्लास में स्टूडेंट को बताते हैं कि थर्मिस्टर का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, बैटरी के अंदर कितने कितने वैल्यू के आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 100 के ही ये लोग ने बताया है, लेकिन मैं आपको क्लास के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के थर्मिस्टर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हो सकता है काफी सारे लोग को बहुत कुछ सीख भी जाए, तो चलिए देर ना करते हो यहाँ पे बता दूं आपको, काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे सबसे पहले ले लेते हैं सैमसंग के, तो यहाँ पे देख सकते हैं A सीरीज, C सीरीज, J सीरीज, G सीरीज, NP और S और T, काफी सारी सीरीज है। तो यहाँ पे मैं एक ए सीरीज का डायग्राम ओपन करता हूँ, एक ए सीरीज की मैं यहाँ पे सीरीज ओपन करता हूँ, तो इतने सारे मॉडल्स यहाँ पे दिए हैं, A505, A125, A510, 750, काफी सारे मॉडल्स है। तो यहाँ पे मैं A50 का यहाँ पे मैं थर्मिस्टर से आपको बता देता हूँ। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, फिर एक बार बता रहा हूँ मैं, इसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। A50 में और भी थर्मिस्टर आते हैं, तो जो कि मैं आपको क्लास में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, जैसे ये ओपन हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको थर्मिस्टर बताऊंगा। और दूसरा एक बड़ा अपडेट है बोर्नियो का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसा ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्नियो डायग्राम लेते हैं, ईस्टैक लेते हैं, या फिर अभी बहुत सारे डायग्राम्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, हो सकता है जनवरी फरवरी की एंडिंग में और भी बहुत सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसका भी रिव्यू दूंगा। अगर कोई अच्छी चीज है तो उसके बारे में भी बताऊंगा, अगर कुछ फॉल्ट है उसमें तो उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैंने इससे पहले बोर्नियो के काफी सारे एरर्स को मैंने बताया था, तो अभी ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके बारे में बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट को फायदा होता है, अगर टेक्नीशियन भाई को फायदा होता है, तो जरूर मैं इसके बारे में बताता रहूंगा आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा ये ओपन जैसे हो जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे थर्मिस्टर को कैसे इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे A50 का ये जो हमने इसका पेज खोला था ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मिस्टर जो है काफी सारे टाइप के होते हैं, कहीं पे चार्जिंग का थर्म होता है, कहीं पे APC थर्म होता है, कहीं पे PA का थर्म होता है, तो ऐसे अलग अलग थर्म होते हैं बहुत जगह, अभी और भी बहुत जगह आपको देखने मिलेंगे, कैमरा हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं थर्मिस्टर को। और बेसिकली इसका मेन काम होता है जो भी सेक्शन में इसको लगाते हैं तो वहां की उस एरिया की जो हीटिंग होती है उसको सेंस करके ये CPU तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और डिस्प्ले पे हमको बहुत बार ऐसे एरर्स देखने को मिल जाते हैं, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई,
इस टॉपिक को हम बहुत डीपली क्लास के अंदर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, लाइव चेकिंग बताते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या आती है सब कुछ बताते हैं, क्या वैल्यू के होने चाहिए, कहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में होता है, कहाँ पे सीरीज कनेक्शन में होता है, सारी चीज उसकी हम क्लास में बताते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये A50 के चार्जिंग एसी के जस्ट बगल में लग के है, 47K का थर्मिस्टर है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 5000 TH से आपको सैमसंग में मिल जाएगा A50 वाले डायग्राम। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे CPU के पास भी 47K का यहाँ पे लग के है, जो कि एपी एप्लीकेशन प्रोसेसर की जो पास जो भी हीटिंग होगा उसको सेंस करने के लिए सीपीयू के बिल्कुल पास में होता है, बहुत ही नजदीक होता है ये। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे पीए के पास, 4G पीए के पास भी यहाँ पे लग के है TRTH100K का यहाँ पे लग के है, जो कि 100 किलो ओम्स का होता है, TH जो होता है हमारा थर्मिस्टर होता है। ऐसे ही मीडियाटेक, ओप्पो, वीवो वगैरह में अगर आप देखोगे तो NTC के नाम से देखने मिलेगा, जिसको हम नेगेटिव थर्मिस्टर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एक सैमसंग का मॉडल। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे है, ओप्पो हो जाए या वीवो हो जाए, वीवो में बहुत कम मॉडल्स दिए हैं, दो ही मॉडल इन्होंने बताए हैं। शॉमी में अगर आप देखोगे तो MI के रेडमी सीरीज में काफी सारे इन्होंने बताए हैं MI में वगैरह। अगर मैं नोट 7 प्रो की बात करूं तो नोट 7 प्रो में कहां लग के देखिए, इसको मैं ओपन करता हूं तो थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम ले रहा है, बोर्नियो में ये बहुत दिक्कत आ रही है, अभी हैंग होना, स्टक हो जाना, बंद हो जाना, क्योंकि फ्रेंड्स यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है, ये लोगों को चाहिए कि इसका थोड़ा सा इसका ख्याल रखें, ज्यादा लोड ना डालें, बहुत जल्दी अगर ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा हमारा काम हो जाता है, ऐसे अगर स्टक होता रहेगा, रुकता रहेगा, काफी टाइम लेके इमेज ओपन करेगा तो हो सकता है यूजर्स इससे बोर भी हो जाए, क्योंकि पहले जो ओपन होता था जैसे हम ओपन करते अभी तक तो ओपन हो जाना चाहिए था, आप देख सकते हैं काफी टाइम ले रहा है, सर्वर का भी इशू हो सकता है। चलिए फाइनली ये ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो चुका है। तो रेडमी नोट 7 प्रो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको थर्मिस्टर देखने मिलेगा 100K का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडफोन जैक के जस्ट बाजू में रखे है। और अगर इसमें दूसरा अगर आप देखेंगे तो पीए के पास है, 4G का जो पीए होता है, ये देख सकते हैं थर्मिस्टर पीए के पास, यहाँ पे भी एक 100K का यहाँ पे लगे है। तो दो थर्मिस्टर यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, और भी बहुत सारे पीए आपको थर्मिस्टर्स मिलते हैं पीसीबी में, जैसे बैटरी में भी मिलता है या चार्जिंग सेक्शन में भी मिलता है, या फिर आपको बैटरी की जो थर्मल लाइन होती है, बैटरी थर्म लाइन NTC लाइन, उसमें भी कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक तो हो गया ये अपडेट थर्मिस्टर का, तो इसमें अगर आपको देखना है, अगर ढूंढना नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत आसानी से मैंने बताया है, तो फिर भी आपको प्रॉपर काम नहीं आ रहा है तो आपको तो सीखना पड़ेगा। बाकी रही बात कैसा वैल्यू होता है, कैसा दिखता है, कैसे चेकिंग करवाए, इसके क्या क्या मेथड्स है, सारी चीज हम स्टूडेंट्स को क्लास में ही बताते हैं। तो ये थर्मिस्टर अगर अभी तक आप नहीं ढूंढ पा रहे तो, हालांकि फ्रेंड्स सारे मॉडल्स का नहीं मिलेगा, एक बात बता दूं आपको, सारा मॉडल्स नहीं मिलेगा, जो इन्होंने काम करा है जितना इन्होंने डाला है उतना ही मिलेगा। अगर आपको अच्छे से सीखना है जो मॉडल्स का इन्होंने नहीं डाला है उसमें कहां कहां देखना है, तो आप फोन भी हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, अपने आप को नंबर वन बोलते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कहां जाना है जाइए आप। अगर अच्छे से सीखना है हमारे स्टूडेंट्स का काम देखिए, फेसबुक पे जाइए, जाकर देखिए कैसा काम करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हमारा जो काम होता है हम लोग यहाँ पे फोटोज में डाल देते हैं, सारा का सारा पोस्ट डेली डालते हैं, जाकर देखिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी देख सकते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं दूसरे अपडेट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 मार्च से इस बोर्नियो के अंदर आपको देखने मिलेगा ICO का डाटा शीट। जी हाँ फ्रेंड्स, कहां पे कौन सी लाइन आएगी, कहां पे कितना उसमें वैल्यू आना चाहिए, GR आना चाहिए, ये बहुत ही जल्द 1 मार्च से डायोड वैल्यू, जिसे हम कहते हैं, जो कि डायोड मोड पे उसका एक वैल्यू GR निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब IC निकली हुई होती है, जब IC लगी हुई नहीं होती है तो वहां पे आपको नीचे GR आते हैं पैड्स पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं CPU का इन्होंने डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये MSM यहाँ पे लिख दिया है, चिपसेट क्वालकॉम का है जिसमें MSM लिखा होता है 8998, एक इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया है अपने को। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, ये एक WTR है जो कि 5975 WTR, यहाँ पे अगर आप देखोगे वायरलेस ट्रांस रिसीवर जिसे हम कहते हैं, इस नंबर का WTR का यहाँ पे इन्होंने GR बना के बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, कितना GR आना चाहिए, क्या है, कहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पावर AC का इन्होंने बनाया है, तो पावर AC का भी इस तरह से आपको GR वैल्यू देखने को मिल जाएगा।
ये बहुत सारे आईसीएम का ये लोग बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे 470 वैल्यू है, कहीं पे 450 है, कहीं पे 580 है। तो ये हो गया पावर का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बीक्यू जो लैग वाला आईसी होता है 24192, ये देख सकते हैं जो कि हमारी 24 लग के काफी सारे बीक्यू आईसी देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा अपडेट मैंने बताने की कोशिश की है, चाहे पावर हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे चार्जिंग आईसी हो, ये लोग उसका भी डाटा शीट ला रहे हैं 1 मार्च से। अगर आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। आपको ये सब सीखने के लिए बहुत आसान है, हम क्लास में स्टूडेंट को काफी सालों से ये सब सिखा रहे हैं कि कहां पे कितना डायोड मोड में वैल्यू आना चाहिए, जीआर आना चाहिए, वोल्टेज कब आता है, सिग्नल कब आता है, कब डाटा लाइंस काम करती है, कब I2C SPI इनेबल लाइन काम करती है, सब स्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं। बहुत सारी NC पिन होती है, बहुत सारी ग्राउंड पिन होती है, बहुत सारी OL लाइन होती है, ओपन लाइन जिसे कहते हैं। तो इसमें पॉजिटिव ग्राउंड होता है, नेगेटिव ग्राउंड होता है, बहुत सारे थर्म के लाइन्स होते हैं इसमें। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए लाइन्स होते हैं, बहुत सारे आपको सीरीज में कैपेसिटर्स मिलेंगे, बहुत सारे पैरेलल में कैपेसिटर मिलेंगे, बहुत जगह पे आपको हाई वैल्यू पुल डाउन करके रेजिस्टर को लगाया जाता है, कहीं पे पुल अप रेजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जगह पे PWM जो सिग्नल होता है उसके लिए भी बहुत सारे रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं आपको क्लास में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको बताने की। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा फेसबुक पेज जो है फोन फिक्स HYD के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप आइए और देखिए स्टूडेंट किस लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं। तो ये बहुत आसानी से बच्चे काम कर लेते हैं जाने के बाद। हमारे पोस्ट आप देख सकते हैं डेली का, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं सारा का सारा डेली का लाइव क्लास आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं। हर रोज का जितने भी बच्चे प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं या थ्योरी की क्लास में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बच्चों को हम डाटा शीट्स देते हैं इस तरह के, चाहे SDR हो या फिर बहुत सारा हम डाटा स्टूडेंट्स को क्लास में भी देते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरह से यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक बार आपको, तो इसमें भी देखिए एक दो डाटा शीट्स मैं आपको बताता हूं जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो सेक्शन वाइज उनको इस तरह का डाटा यहां पे मिलता है, चाहे लाइट का हो, ग्राफिक का हो, नेटवर्क का हो, बहुत कुछ हम रेडी करके स्टूडेंट को देते हैं, मेहनत करके बना करके कि आसानी से बच्चे जाकर के काम कर सके इसमें। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ये लाइट आईसी का डाटा हो गया, 6 लेग का हो गया, ये देख सकते हैं BQIC है, ये देख सकते हैं इसका डाटा शीट है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लास में स्टूडेंट को देता हूँ। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक नया अपडेट आया था बोर्नियो में जो कि थर्मिस्टर को लेकर के है, और आने वाले समय में आईसीओं का डायोड वैल्यू ये लोग निकाल के दे रहे हैं, एक एक बॉल का, एक एक पैड्स का, तो इस पे भी काम कर सकते हैं। हालांकि गलतियां तो बहुत सारी है बोर्नियो में, जो क्लास में स्टूडेंट को काफी सारे गलतियां बताता हूँ। हार्डवेयर में भी है, हार्डवेयर सोल्यूशन में भी गलतियां हैं, बिटमैप में भी है, आईसीओं को घुमा कर इन्होंने डाला है, बिल्कुल रॉन्ग बताया है। बाकी फ्रेंड्स मेन चाहिए आपको खुद से काम करें, खुद सीखें, तो ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप खुद से सीखते हैं। तो बाकी आप फोन फिक्स हैदराबाद के इस तरह के पेजेस में जाकर देखिए जो बच्चे काम कर रहे हैं, इनके बहुत सारे यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग डालते रहते हैं, इसको भी जाकर देखिए आप कि यहाँ से आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे आपको। और ऑनलाइन का कोर्स हमारा जो सॉफ्टवेयर MMC का होता है वो आपको मिल जाएगा 20 फरवरी से। ये देख सकते हैं इस तरह के पोस्ट होते हैं जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं उनके डेट के साथ। ये इंडिया में आपको पूरे चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, फोन फिक्स हैदराबाद के स्टूडेंट ही इस तरह के काम करके डालते हैं। यहाँ पे आप डेट्स भी देख सकते हैं आप, ये 27 नवम्बर का ही बैच है हालांकि। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट में डालते रहता हूँ जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था, और हमारा नेक्स्ट बैच 20 फरवरी से बुकिंग चल रहा है, अगर आना है आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद में, अपने मोबाइल ला सकते हैं, साथ में रहना फ्री होता है, मदरबोर्ड्स फ्री होते हैं, यहाँ पे फ्लैश फाइल फ्री देते हैं, स्पेशल फाइल, UMC चेंज फाइल, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। 0 लेवल से सुपर एडवांस लेवल तक सिखाते हैं, चिप लेवल, माइक्रो लेवल, UMC प्रो तक हम लेवल तक सिखाते हैं। यहाँ पे आपको इनलेस सॉल्यूशंस मिलते हैं, जितने भी आपको मोबाइल में प्रॉब्लम आते हैं, कहां से प्रॉब्लम आ सकता है, सब कुछ यहां पे बताते हैं। लाइव क्लासेस होती है 10 घंटा, मेहनत करना है तो आइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ जुड़ जाइए, अपने हाथ से काम करिए, टीचर का काम नहीं, टीचर को देखना नहीं आना है आपको, आपके हाथ से काम करने आना है। तो फोन फिक्स आ जाइए, आज ही जुड़िए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही नए नए अपडेट्स लेकर आता रहूंगा आपके लिए, जो भी मार्केट में आएगा
जो भी नया आएगा आपको हम बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें।